जरा सोचो, आप पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाए कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन जाओ, आपके सामने कोई भी टिक पाने वाला ना हो। आज की कहानी ऐसे ही एक स्कूल के लड़के पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंट से। कुछ डॉक्टर एक लड़के पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में बिजली के झटके दिए जा रहे थे। लड़के को बड़े ही बेरहमी से ट्रीट किया जा रहा था। डॉक्टरों का मानना था ये लड़का जितना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करेगा उतना ही ताकतवर आदमी बन सकता है। और भी ज़्यादा डराने के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े पहना शख्स दिखाई दिया जाता था जिसके फेस पे आग लगी हुई थी। चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट कामयाब होता गया। पूरी तरह कामयाब होने पर लड़का दूसरी दुनिया से एनर्जी प्राप्त कर सकता था। इस एनर्जी और ताकत को मानवता जाति के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इस एक्सपेरिमेंट को किए हुए लगभग एक साल हो चुका है। डेविड अपने अंकल एंड्री के साथ रहता है, पर आज भी उसे आग लगा हुआ भयानक चेहरा दिखाई देता रहता है। डेविड को शांत करने के लिए एंड्री हमेशा एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है ताकि डेविड अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर नई जिंदगी जी सके। सुबह का समय था। डेविड तैयार होकर अपने अंकल के साथ स्कूल जा रहा था। एंड्री ने डेविड को स्कूल के बाहर ड्रॉप किया और सामान खरीदने के लिए मार्केट चला गया। डेविड के साथ पढ़ने वाली मैं, जिसे वो बहुत पसंद करता था, मैं भी डेविड को चाहती थी। रात में डरावने सपने आने की वजह से आज डेविड मैं के साथ सही से बात नहीं कर पाया। बाद में दोनों क्लास के अंदर आ गए। टीचर बड़े ही मन से लेक्चर दे रहा था। सभी बच्चे लेक्चर सुन के मेन मेन चीजों को नोट कर रहे थे। डेविड का ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं था। टीचर को भी मालूम हो गया कि डेविड का ध्यान नहीं है। फिर टीचर ने उसे जो उसने सुनाया है वो उसे सुनाने को कहा। इसी दौरान हमें मालूम हुआ कि दूसरी बातों को सोचकर भी डेविड वर्तमान की बातें याद रख सकता था। उसने टीचर की कही हुई बातें सुना दी। लेक्चर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कुछ मिलिट्री क्लास के अंदर आ गई। उन्होंने सभी को क्लास से बाहर जाने को कहा सिवाय डेविड के। वो डेविड को पकड़ के ले जाना चाहते थे। दरअसल किसी तरह का भी एक्सपेरिमेंट फुजिटाका के समझौते पर होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान डेविड वहां से भाग गया था, जिसके लिए फुजिटाका अपने सब्जेक्ट को आज तक ढूंढ रहा है। मिलिट्री के इस तरह आने पर डेविड पूरी तरह घबरा चुका था। उसे बार बार आग लगा चेहरा दिखाई देने लगा। देखते ही देखते डेविड पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में नीले रंग की रोशनी पैदा होने लगी। रोशनी के पैदा होते ही डेविड एक ताकतवर आदमी में बदल चुका था। उसने मिलिट्री को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण में पूरी मिलिट्री ढेर हो गई। डेविड को जब होश आया वो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। वहां से भागता हुआ अपने अंकल के पास चल दिया। डेविड को ढूंढते हुए एली और उसके साथी भी आ पहुंचे। एली भी एक साल से इसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था, पर वो आज तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। उसने डेविड को ढूंढ निकालने का फैसला किया ताकि दूसरी दुनिया से एनर्जी कैसे प्राप्त की जाती है इसके बारे में पता लगाया जा सके। डेविड के तलाश के लिए कॉलिन ने टीचर से पूछताछ की। टीचर ने उसे बताया कि डेविड अपने अंकल एंड्री के साथ रहता है। जिसके बाद एली ने कॉलिन को हुक्म दिया कि वो डेविड और एंड्री को ढूंढ निकाले। उधर डेविड भागता हुआ अपने अंकल के पास पहुँच गया। एंड्री डेविड का हाथ देख के समझ चुका था कि फुजिटाका ने उसे ढूंढ निकाला है। एंड्री ने उसे शांत रहने को कहा और कहा कि घर पे चला जाए और वहाँ पे दवाइयाँ लेकर घर से भाग जाए। अब कॉलिन भी डेविड को ढूंढता हुआ शॉप पे आ गया। देखते ही देखते उन्होंने एंड्री को पकड़ लिया। डेविड वहाँ से भागने लगा, भागता हुआ अपने घर पहुँच गया। एली भी अपने सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था। दरअसल जिस आदमी पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसे नाम नहीं दिया जाता, सब्जेक्ट नंबर कह के ही बुलाया जाता है। डेविड ने अपनी दवाइयों को ढूंढ निकाला। इसी दौरान उसे एक लेटर मिला। वो दवाई और उस लेटर को लेकर वहाँ से भागने लगा। डेविड जब तक घर से भाग पाता सब्जेक्ट नंबर 2 भी अंदर आ गया। उसने डेविड को मारना शुरू कर दिया ताकि उसके दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगाया जा सके दूसरी दुनिया से एनर्जी कैसे प्राप्त की जाती है। कुछ समय तक डेविड सब्जेक्ट नंबर 2 से मार खाता रहा। जब वो पूरी तरह हार गया उसे वो ही आग लगा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। चेहरे को देखते ही डेविड की आत्मा बदल गई, उसमें वो ही एनर्जी वापस आ गई। फिर क्या था, अब डेविड ने नंबर 2 के साथ फाइट करनी शुरू कर दी। कुछ समय तक लड़ाई चलने के बाद आखिरकार डेविड ने उसके शरीर को पूरी तरह चीर दिया। शरीर के चीरे जाने की वजह से नंबर 2 मर चुका था। नंबर 2 के मरने के बाद डेविड ने वहां से फिर से भागना शुरू कर दिया। कॉलिन ने डेविड का पीछा किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते डेविड वहां से भाग चुका था। क्लास में हुए हादसे के बाद में डेविड को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। उसे मिलने के लिए वो लगातार उसे फोन करती रही, पर डेविड ने उसका फोन नहीं उठाया। बाद में डेविड ने उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुला लिया। मैसेज करने के बाद उसने लेटर को खोल के देखा, अंदर MP3 रिकॉर्डर पड़ा था। डेविड ने हेडफोन को लगाया और सुनना शुरू कर दिया।
MP3 रिकॉर्डर में एंट्री ने वॉयस रिकॉर्डर की हुई थी। उसने बताया कि सरकार से मंजूरी लेने के बाद एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए अनाथ बच्चे लेने शुरू कर दिए। कई दिनों तक एक्सपेरिमेंट करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो बच्चे लगातार मरते जा रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात डेविड से हुई। एंड्री ने एक्सपेरिमेंट के लिए डेविड को डॉक्टर जेनस के पास भेज दिया। जेनस की मेहनत रंग लाई, डेविड में दूसरी दुनिया से एनर्जी प्राप्त करने की क्षमता आ गई। इसके बाद एंड्री ने डेविड को बुरे लोगों से दूर रखने का फैसला किया, जिसके लिए वो उसे काफी दूर ले आया। उसका मानना था अच्छी शिक्षा मिलने के बाद डेविड एक अच्छा आदमी बनेगा और मानवता के लिए फायदा होगा। डेविड बॉय सुन ही रहा था कि कॉलिन मे का पीछा करता हुआ वहाँ पे पहुँच गया। उसके सब्जेक्ट नंबर 3 ने डेविड पे हमला करना शुरू कर दिया। इस बार गन की मदद ली जा रही थी। डेविड ने मे को अपने साथ लिया और वहाँ से भागने लगा। कुछ समय के बाद कॉलिन ने सब्जेक्ट नंबर 4 और 5 को भी भेज दिया। तीनों ने मिलकर डेविड को मारना शुरू कर दिया। डेविड बड़ी ही हिम्मत के साथ उन तीनों का मुकाबला करता रहा। कुछ समय तक मुकाबला करने के बाद डेविड पूरी तरह हार चुका था। उनमें से एक ने डेविड को अब मारना शुरू कर दिया। मरने की डर से डेविड के अंदर फिर से एक बार एनर्जी पैदा हो गई। उसने अपनी अंदरली एनर्जी से उन तीनों को मारना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद वो तीनों को खत्म कर चुका था। डेविड में आए बदलाव के कारण मैं पूरी तरह डर चुकी थी। डेविड को लगने लगा कि उसकी ये ताकत लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है। उसने खुद को मैं से अलग करने का फैसला कर लिया, पर मैं डेविड से अलग नहीं होना चाहती थी। इतना कुछ होने के बाद एली कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने एक नए सब्जेक्ट को लॉन्च किया जो बहुत ही ताकतवर था। वो सब कुछ कर सकता था, वो भी एक ही पल में। दूसरी ओर फुजिटाका को भी मालूम हो गया कि एली चुपके चुपके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने एली को डांटा और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ही बंद करने को कहा, क्योंकि उसकी मंजूरी के बगैर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है। उसकी इस बातों से एली को गुस्सा आ गया। फिर उसने अपने सब्जेक्ट को दिखाते हुए फुजिटाका को चुप रहने को कहा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फुजिटाका भी सब्जेक्ट को देखकर पूरी तरह घबरा चुका था। इस तरफ मैं डेविड को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। उसका मानना था हालत किसी तरह का क्यों ना हो, वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। डेविड भी उसे दूर नहीं जाना चाहता था। अब डेविड ने भी उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि फुजिटाका की मिलिट्री एक बार फिर से वहाँ पे आ गई। उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में मे को गोली लग गई। मे की हुई मौत के कारण डेविड पूरी तरह टूट गया। फिर उसने एक एक करके सभी मिलिट्री वालों को मारना शुरू कर दिया। मिलिट्री से फाइट करते समय एली के आदमी भी वहां पे पहुंच गए। उन्होंने डेविड को बेहोश कर लिया। अब वो उसे उठाकर अपने लैब तक ले आए। लैब के अंदर डेविड बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने एंड्री था जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। एली के आदमियों ने उसे मार मार के पूरी तरह जख्मी कर दिया था। इसी दौरान एली भी वहां पे पहुंच गया। उसने एंड्री से कहा कि एनर्जी प्राप्त करने वाले पूरी कोर्स उसे बता दे, नहीं तो वो डेविड को मार देगा। एंड्री जान चुका था कि अगर इस कोर्स के बारे में एली को बता दिया जाए तो वो मानवता के लिए गलत काम ही करेगा, जिसके वजह से उसने बताने से इनकार कर दिया। आखिरकार एंड्री हार चुका था। उसने एली को ही गोली मार दी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद डेविड दूसरी दुनिया में आ गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने हमशक्ल से हुई, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने डेविड को कहा कि वो उसे अपने अंदर संभाले, जब भी उसकी सेफ्टी की जरूरत होगी वो उसे सेफ्टी देगा और उसे किसी तरह की भी तकलीफ नहीं होने देगा। दोनों की बातचीत खत्म हो गई। डेविड अपने एनर्जी वाले रूप में आ गया। होश में आते ही उसने सभी डॉक्टरों को मारना शुरू कर दिया। एली के आदमी डेविड को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे, पर कोई भी नए डेविड के सामने नहीं टिक पाया। देखते ही देखते उसने सभी को मार दिया। आखिरकार उसकी फाइट नंबर 6 के साथ हुई। ये नंबर काफी ही ज्यादा पावरफुल था। कई मिनट तक लगातार फाइट होने के बाद डेविड ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने एक चाकू का सहारा लिया और उसके पूरे शरीर को काट दिया। दूसरी तरफ फुजिटाका एली को मारने का हुक्म सुना चुका था। फुजिटाका की मिलिट्री एली को मारने के लिए उसके घर तक आ गई। खुद के साथ हुई गद्दारी से एली बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब उसने एक एक करके पूरी मिलिट्री को मारने का फैसला कर लिया। इसी दौरान हमें मालूम हुआ कि एली भी दूसरी दुनिया से एनर्जी प्राप्त कर सकता है। एनर्जी प्राप्त करते समय उसकी आंखें लाल रंग की दिखाई दे रही थी। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने पल भर में ही पूरी मिलिट्री को खत्म कर दिया। सीन फिर से डेविड पे शिफ्ट हुआ। अब वो अकेला था। उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ बचा हुआ था कि वो अपनी जिंदगी में मे और एंड्री के हथियारों का बदला ले, जिसके लिए उसे जानना होगा कि इस सब के पीछे कौन कौन है।
इसके बाद हम एंड्री, डॉक्टर जेंस और उसके तीन साथियों की बातचीत को देखते हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि आगे जाकर वो और भी तेज दिमाग वाले और ताकतवर एनर्जी वाले सब्जेक्ट को बनाने के लिए तैयार हैं। इस बार उनका साथ एक अनजान शख्स दे रहा था। उस अनजान शख्स ने डेविड को संभालने की पूरी जिम्मेवारी ली। वो अपने मरते दम तक डेविड का ध्यान रखेगा। फुजिटाका को भी मालूम हो गया कि डेविड को सारी जानकारी मिल चुकी है। दूसरी ओर मिलिट्री एली को मारने में नाकामयाब हो चुकी है, जिसकी वजह से अब उसका मरना तय है। डेविड नहीं तो एली उसे मार गिराएगा। कहानी के अंत में अनजान शख्स डेविड को समझा रहा होता है, तुम्हें किसी से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। इसी दौरान उसने एली की पूरी लैब को जला दिया। इसी तरह ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो गई। डेविड क्या एली और फुजिटाका से बदला ले पाएगा कि नहीं, इसके बारे में हमें आगे दिखाया जाएगा। ये थी एक लड़के की कहानी जिसपे कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, उस पे जुल्म होते रहे। इस जुल्म की वजह से वो दूसरी दुनिया से एनर्जी प्राप्त कर सकने वाला आदमी बना। कई सब्जेक्टों को मारने के बाद आखिरकार ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं।